लाइट्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं गो पीपल, हाउ यू, व्हाट्स अप, एंड लारिफ खालिद इज बैक विद अ न्यू रिव्यू। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। उर्दू में 50 तो इंग्लिश में 50। टुडे वी आर अनबॉक्सिंग द न्यू रियलमी नोट 60। तो उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज हमारे पास है नया गर्मा गर्म द न्यू रियलमी नोट 60, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और रियलमी भाई अब जो है वो अपनी ड्यूरेबिलिटी पे इतना प्रोग्रेसिवली काम कर रहा है कि भाई इतने खतरनाक फोन और इतने अच्छे प्राइस रेंज में अब रियलमी आपको ऐसे फोन ऑफर कर रहा है जिसपे आप सोचे भी नहीं और खरीद लें। तो शुरू करते हैं लंबी किए बगैर आज का फॉरन से रिव्यू, क्योंकि आज का रिव्यू हमें पूरा करने का टारगेट मिला 30 मिनट्स का। आरंभ भाई ने दिया है भाई को चैलेंज, तो पीछे काउंटडाउन चल रहा है, फौरन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो गाइस, सबसे पहले हम फोन के मेजर एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। दिस इज एन एंट्री लेवल स्मार्टफोन जिसकी प्राइस रेंज में, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं, प्राइस रेंज ऑफ दिस सेल फोन इज 26,999। अपना ₹1 स्टोर से लेना ना भूलिएगा। रियलमी ने इस बार फिर से अपने कॉम्पिटिटर्स को नॉक नॉक करके उठा दिया, क्योंकि रियलमी ने इस सेगमेंट के फोन में पहली बार IP64 की टेक्नोलॉजी यूज की है, विच मेक्स द फोन मोर ड्यूरेबल एंड वाटर रेजिस्टेंट। वैसे IP54 की टेक्नोलॉजी सदाबहार चलती हुई आ रही है, मगर रियलमी ने जो है भाई वो फौरन से एक स्विच लिया है और अपने कंपेटिटर्स सारी कंपनी से पहले इस चीज में डाल दी। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फोन में आर्मर्ड शेल प्रोटेक्शन यूज की गई है, जिससे आपका फोन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है और बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। आप थक जाओगे, आप गिरा पड़ा दो, पर आपका ये फोन टूटेगा नहीं। आई नो सम यूजर्स जिसमें मेरी वालदा आती है और मेरा बचपन का दोस्त सालिक है, जो कि अपने फोन बहुत केयरलेसली यूज करते हैं, और पास्ट में उन्होंने अपने बहुत सारे फोन तोड़े और इतने सारे फोन तोड़े मेरी अम्मी ने, तो कि भाई वो ड्रॉज मेरे आज तक पड़े हैं, क्योंकि LEDs उनके पैनल्स बहुत ज्यादा महंगे। मगर ये फोन आपका टूटने वाला नहीं है, ये आपको आगे जाके एंड में पता लगेगा जब आपका भाई इस फोन के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा और इस फोन के साथ एक समझ लो मिनी ओलंपिक के गेम्स खेले जाएंगे। लेट्स सी के भाई ये फोन कैसा रिएक्ट करता है, बट दिस इज अ वेरी टफ फोन, तो आप इसको तोड़ नहीं सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फोन आल्सो कम्स विद अ 24-month वारंटी, 24 महीने तक क्लेम कर सकते हो, तो आपकी फोन की लॉन्गेविटी और ड्यूरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, वो और ज्यादा एनहांस और बढ़ जाती है, तो जिससे आपको टेंशन फ्री होकर इस फोन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहां पर आप बॉक्स पे देख सकते हो 24 months वारंटी क्लेम कर सकते हो, और ये आर्मर प्रोटेक्शन को एम्बोजमेंट के साथ डाला गया है, कि भाई ये चीज बहुत एक हाईलाइट फीचर है इस फोन का। एंड बॉक्स में देखें तो भाई सदाबहार मेक इट रियल, इट इज ऑलवेज रियल। उसके बाद दूसरे लेयर में आपको मिलता है आपका फोन, और इसके साथ आपको मिलता है इसका चार्जिंग एडाप्टर, जो कि है 10 वॉट्स का सुपर वू चार्जर। अगर आप इसको लाइट लेफ्ट राइट से देखो तो भाई दिस इज द चार्जर। एंड तो जो इस सेगमेंट का चार्जर है, ये थोड़ा सा पोर्टेबल है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा अच्छा है और लाइट वेट है इन टर्म्स बाकी चार्जर्स। अगर आप देखो तो वो थोड़े प्रीवियसली रियलमी के सेगमेंट के थोड़े बड़े चार्जर्स होते हैं। देन यू हैव अ टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग कॉर्ड, और इस फोन में आपको दो कलर्स मिलते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फोन वेरिएंट मेरे पास है, द ओनली वेरिएंट व्हिच इज रिलीज्ड इन पाकिस्तान, इज 4GB 64GB मेमोरी वाला फोन। दो कलर्स इसमें हैं, वन इज वोयाज ब्लू एंड सेकंड वन इज मार्बल ब्लैक। तो आपको इसमें दो कलर्स मिलते हैं, मुझे ये ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लगा। और अरम भाई ने कहा था, बात आपने करनी है, कि ये एक बहुत ही ठंडा कलर है, ठंडा कलर इन टर्म्स के बड़ा अच्छा लुक एंड फील दे रहा है, डिफरेंट कलर है, तो मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट लगा, और इसकी लुक एंड फील भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर आप आसमान को देखने के शौकीन है, तो दिस इज अ स्काई ब्लू कलर प्रोमिनेंसी के साथ। इसका जो है ना वो टेक्सचर लेआउट आपको दिखता है इस फोन का। अगर आप इसको बैक पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी सी लाइट्स हमारी आज आगे पीछे है, बट स्टिल अगर इसको मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूं तो तुम्हें टेक्सचर दिखेगा, वो टेक्सचर बड़ा प्रोमिनेंसी के साथ है। जब आपके लुक एंड फील आपके हाथ में होगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। एक लस्टर्ड सा लुक है इसमें, जो इसके कैमरे के डायगनल्स हैं, ये वाला शाइन थोड़ा आउटर जो है ये वाला एरिया है, ये शाइन कर रहा है, थोड़ा ग्लॉसी लुक है इसका। एंड द अदर पार्ट ऑफ द फोन इज मेनली मैट फिनिश, साइड प्लास्टिक है। इसके साथ आपको जो है वो टाइप सी का कॉर्ड दिखता है, 3.5mm जैक, आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो हेडफोन्स, और इसके साथ एक सिंगल स्पीकर आता है, ड्यूल फिजिकल सिम सपोर्ट करता है, अप टू 2TB आप इसकी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो गाइस सारी चीजें साइड पे करते हैं और अपनी सारी बातें शुरू करते हैं आज के इस फोन रियलमी नोट 60 की। सो गाइस सबसे पहले फोन के डिस्प्ले की बात की जाए, तो भाई 6.74 इंच का इसका डिस्प्ले है, द पीक ब्राइटनेस
brightness of this phone is 560 nits. Refresh rate इसका सदाबहार 90 hertz का है, मगर इसमें multitasking आपकी थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि you get dynamic RAM of 12 GB जिसमें आप multitask कर सकते हो, आपका फोन lag इतना नहीं करेगा, मगर इसकी prominency के साथ जो RAM है that is 4 GB. Major highlight point जो कि इसके कैमरे का है भाई, इसमें 32 megapixel का कैमरा प्राइमरी इंस्टॉल किया गया है और उसको इतना एनहेंस किया गया है कि आपको 146% प्रीवियस फोन से अच्छी पिक्सल डेंसिटी मिलती है और अच्छे रिजल्ट्स आपको इस कैमरा से मिलेंगे. इन 27,000 यू आर गेटिंग 24 मंथ्स ऑफ वारंटी विद एन आर्मर शील्ड प्रोटेक्शन फोन. इसको कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कर दो ये, अगर आप इसको अगर ये देखो यहाँ से फेंक दो वहां से फेंक दो, ये कुछ नहीं होगा इस फोन को. इस फोन के वेट की बात की जाए तो भाई अप्रॉक्सीमेटली 187 ग्राम्स का ये फोन है, और अगर आप इस पर अपना बैक कवर इंस्टॉल कर लेते हो प्लास्टिक वाला या हार्ड केस भी कर लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम का ये फोन आता है. तो इट्स अ डिसेंट वेट फोन. एंट्री लेवल के हिसाब से ये फोन मेरे हिसाब से क्वालिफाई करता है क्योंकि इतना ज्यादा भारी नहीं है. ग्रिप इस फोन की अच्छी, अलग प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक है पूरा ऑल अराउंड द फोन 360, मगर ये अच्छा डिसेंट ग्रिप है इस फोन की. इस फोन के चिपसेट की बात की जाए तो इसमें यूनिसॉक T612 का ऑक्टा कोर चिपसेट यूज किया गया है. बैटरी और चार्जिंग की इस फोन की मेजर बात की तो इसमें 5000 mAh की तगड़ी सी बैटरी इंस्टॉल की गई और 10 वॉट्स का आपको सुपर वूक चार्जिंग मिलती है. और इस बार का इसका जो चार्जर है वो काफी कॉम्पैक्ट साइज का है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है पिछले और अभी के वेरिएंट्स में. एज दिस फोन इज एन IP64 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस फोन, तो इसमें जो है वो रेन वाटर टच टेक्नोलॉजी भी दी गई जो पिछले सेगमेंट्स में आपको देखने को मिली है कि अगर आपका हाथ वेट है तो आपका फोन इनसेनली परफॉर्म नहीं करेगा कि आप टच कहां कर रहे हो और वो कौन सी एप्लीकेशन खोल रहा है, कहां पर उसका टच सेंसर जो है वो रिएक्ट कर रहा है. तो ये चीज इसमें अच्छी इंस्टॉल कर दी गई है, ये प्रोग्रेस अच्छी है. और जो इसका मेन हाईलाइट फीचर है इस फोन का इस प्राइस सेगमेंट में, दैट इज अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी, कि भाई ये फोन आपका जो है वो कुछ नहीं होता. इसको आवाज पूरे घर में गूंजती है समटाइम्स जो है ना, वो आंटी आके बोलती है तुम लोग करते क्या हो आजकल, क्या कर रहे हो. मैं आपको कैमरे के बारे में बताना भूल गया भाई, इसका 5 megapixel सेल्फी कैमरा है, तो जितनी भी सेल्फियां तुम लोगों ने लेनी है वो डे टाइम में तुम्हारी बहुत अच्छी से निकल जाएंगी. और पिछले रिव्यू में कुछ लोग बोल रहे थे कि लाली गेमिंग के हवाले से तो बताओ यार. गेमिंग के हवाले से ये है कि गेमिंग के हवाले से बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं करेगा, मगर ये अगर आपके कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ गेम्स हैं जो आप खेलते हो तो वो उस पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा. जाहिर सी बात है अगर आप हैवी लोडेड फाइल वाले गेम खेलोगे तो वो थोड़ा से मसले करेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा डिसेंट तरीके से आपको गेमिंग आपकी एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस फोन. डिस्प्ले की जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि इस फोन में भी आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, और मैंने आपको बताया था कि इसकी पीक ब्राइटनेस जो है दैट इज 560 निट्स और इसकी बिल्कुल लोएस्ट ब्राइटनेस जो है दैट इज 1 nit. इट्स एन एंट्री लेवल फोन, मगर आपको इसमें जो कैमरा मिलता है 32 megapixel का, उसमें आपको एनहांस्ड पोर्ट्रेट मोड मिलता है, इसमें आपको एनहांस्ड नाइट मोड मिलता है विच मेक्स योर एक्सपीरियंस लिटिल बेटर फ्रॉम अदर ऑप्शंस और अदर कंपेटिटर्स. तो ये कि इस पैसों में आपको कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, तो मैं सैमसंग और एप्पल से वाले रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली वो एक हाई एंड फोन है, ये एक डिसेंट छोटा फोन है, तो उसके हिसाब से ये जितनी इसकी ताकत है उस कुवत के हिसाब से आपको ये अच्छी फोटो जनरेट करके देगा. Realme Note 60 gives you convenient and secure access to face unlock security system, plus आपको मिलता है पावर बटन पे फिंगरप्रिंट सेंसर. वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलेंगे, दैट इज द फर्स्ट वन इज दिस वोयाज ब्लू एंड द सेकंड वन इज मार्बल ब्लैक. अब इस फोन की यहाँ पर मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि अब जैसे यहाँ से मैं उठ के जाऊंगा, ओलंपिक अभी गुजरा और अर्शद नदीम जो है वो गोल्ड मेडल ले आए पाकिस्तान में भाई माशाल्लाह से, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के ओलंपिक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. तो मैंने जो है ना मिनी ओलंपिक गेम्स खेलनी है, कोशिश करूंगा. हॉकी वॉकी मिल गई तो हॉकी भी खेलेंगे इसके साथ, जैवलिन तो मेरे पास है नहीं तो मैं जैवलिन की जगह मोबाइल को थ्रो करके देखूंगा. चलो चलते हैं, अब इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं. कुछ जगहों पे इसको मिट्टी में भी दौड़ाएंगे और कुछ जगह पे इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा फेंकना है, हो सकता है कि मैं इसको अपनी गाड़ी के नीचे भी ले आऊं. मिलते हैं थोड़ी देर बाद. तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा ना? लगा कैसा? कैसा लगा? मगर फोन को बिल्कुल भी नहीं लगा, फोन ने बोला जानी आन दो. तो उम्मीद है तुम लोग को जो है भाई ये रिव्यू अच्छा लगा होगा. ओवरव्यू की अगर इस फोन की बात करें तो भाई आपको ये फोन मिलता है 26,999 रुपीज में, और ₹1 अपना लेना ना भूलना. जुगाड़ी मोबाइल ना परचेज कीजिएगा, वारंटी वाले फोन ही खरीदिएगा. कुछ लोग आपको बोलेंगे 26,000-27,000 का फोन हमसे ₹23,000 का ले लो, मगर उसमें आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकेंगे, वो विदाउट वारंटीज आते हैं. तो ऑथेंटिक डीलरशिप से जाके ही इस फोन को परचेज कीजिएगा. यू गेट अ 24 मंथ आर्मर शेल प्रोटेक्शन इसमें
में यूज की गई है, विच मेक्स योर फोन वेरी ड्यूरेबल एंड वेरी रिलायबल एंड अ स्ट्रॉन्ग फोन, जिससे आपके फोन को डैमेज, इतना कोलैटरल डैमेज नहीं आएगा अगर वो आपके हाथ से फोन पे बात करता हुआ गिरे, आपका बच्चा फेंके, आपसे गिर जाए, ऊपर से गिर जाए, नीचे से गिर जाए, बाइक के नीचे आ जाए, कोई भी गलती से आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये फोन नहीं टूटेगा। रियलमी बड़े फ्रीक्वेंट फोन से रिलीजेस कर रहा है भाई, चैंपियन सीरीज भी चलती जा रही है, साथ साथ नोट सीरीज भी आ रही है, और मैं आपको एक नॉक नॉक दे दूं कि भाई जीटी सीरीज भी जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है। तो रियलमी बिल्कुल भी हल्का नहीं आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग न्यू फोन्स एंड विद अ कन्वीनियंट एंड अ टाइट बजट एंड अटेंशन टू ऑल द गेमर्स। जीटी सीरीज भाई आपको पता है कि गेमर्स के लिए बड़ी रिलायबल होती है, और पुराने जो जीटी सीरीज थी वो नो डाउट टॉप नॉच फ्रॉम रियलमी। तो भाई ये फोन आपने मिस नहीं करना है, थोड़े टाइम बाद आपको इंशाल्लाह ताला जीटी के साथ भी मिलेंगे। रूमर्स आ गए कि भाई फोन रिलीज होने वाला है, जब तक के लिए रियलमी के सारे फोन तुम लोग देख सकते हो हमारे पेज पे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने रियलमी के ही बहुत सारे फोन को अनबॉक्स किया है, उनके बड़े जेन्युइन रिव्यूज दिए हैं, जो फ्लॉज है वो भी बताएं, जो प्रोज है वो भी बताएं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू ऑल द व्यूअर्स जो हमारे रिव्यूज देखते हैं, भाई मैं एक बहुत ही अच्छा सा गिव अवे करने वाला हूं। वो गिव अवे किस फोन का है? यू हैव टू ऑप्शंस गाइस, या आपको रियलमी C61 चाहिए या आपको रियलमी नोट 60 चाहिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दो, रैंडमली आई विल सेलेक्ट अ विनर। अब इसमें होगा ये कि भाई आपने जो है वो जिसके भी ज्यादा कमेंट्स होंगे इन टर्म्स कि भाई हमें रियलमी C61 चाहिए या हमें रियलमी नोट 60 चाहिए, तो मैं इन दोनों में से जो मुझे ज्यादा मेजोरिटी कमेंट्स लगेंगे हम उस फोन का गिव अवे करेंगे। जो विनर अनाउंस होगा आपने करना ये सिंपल सा क्राइटेरिया बता रहा हूं, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपने कमेंट करना है डन, कि हमें पता लग जाएगा आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। यू हैव टू वेट, हम जो नेक्स्ट वीडियो रिलीज करेंगे इस चैनल पे उसमें जो है भाई वो अनाउंसमेंट होगी कि कौन वो बंदा है या बंदी है जो ये इन दोनों में से कोई एक फोन जीता है। तो इन दोनों में से एक फोन गिव अवे के लिए अब मैंने रख दिया है, और ये गारंटी है कि आपको आपके घर तक पहुंचेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इस वीडियो पे खतरनाक एंगेजमेंट चाहिए, जिसको फोन चाहिए ले ले भाई, 0 मीटर फोन है, 2 साल की वारंटी के साथ दोनों आते हैं, प्लस PTA अप्रूव है, तो मौका जाने मत दो, शुरू हो जाओ। मिलते हैं भाई अगले रिव्यू में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, मेरे बेटे को भी दुआओं में बहुत सारा याद रखें, एंड शुक्रिया इतनी सारी दुआओं का, इतनी सारी प्रेयर्स का। और अगर तक तुम लोगों ने ज़ारेब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस ज़ारेब का चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेक दैट चैनल 900 के स्ट्रॉन्ग एज सून एज पॉसिबल। आर गोल इज टू रीच 1 मिलियन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, लाइक 31st December 2024 तक मेरा टारगेट है टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन ज़ारेब चैनल। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे बहुत सारे रिव्यूज और भी आने वाले हैं, बड़े लीथल छे और मजेदार। चलो भाई लाली आओ, ओके दबाए।